देता जाऊं, हमारी बात हुई थी हारिस राव से स्टोर के लिए, और हारिस राव से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट दे विल प्ले कैश के लिए फॉर पाकिस्तान, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। ये आपको बताना इसलिए बहुत जरूरी है कि काफी लोगों के काफी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, द टीममेट्स एंड द पब्लिक जो फैंस है हमारे। हारिस से हमारी कल बात हुई और वी वर वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर है वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इवन के इस टूर पे जो अगर खुदा ना खास्ता हो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी अलग चीज़ से लगता, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिटनेस को लेकर हमने जो हमारे कंसल्टेंट है फिजियो उनसे हमने बात किया, उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलने में। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली तो फटीक है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस राव जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। सेकेंडली अपडेट देखा जो आपको नसीम शाह की, हसनैन मोहम्मद हसनैन की और एहसान उल्लाह की, नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। हसनैन की अपडेट यह है कि ही हैज स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग, उन्होंने भी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1-2 हफ्ते और लगेंगे, और एहसान उल्लाह का भी रिहर्स जा रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट उसमें देंगे।